भले ही आपको सुनकर अटपटा लगे, लेकिन सरकारी कागजों की माने तो धनबाद के पार्क मार्केट से 4 दुकानें गायब हो गई है। पिछले दिनों सर्वे करने गए अधिकारी ये देखकर चौंक गए कि इनकी संपत्ति कम हो गई, लेकिन इसके पीछे है दुकानदारों की शातिर साजिश। इस रिपोर्ट को देखिए। पार्क मार्केट में नगर निगम की 152 दुकानें हैं, जिसमें से आधी की जांच और मापी हुई तो उसमें से 4 दुकानें गायब पाई गई, जबकि कई दुकानों के अंदर से ही छत तोड़कर शोरूम बना दिया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब सभी दुकानों की जांच हो जाएगी तो एक दर्जन से अधिक दुकानें गायब मिल सकती है। दुकानों के वास्तविक ढांचों से छेड़छाड़ कर राजस्व की क्षति की गई है। मालूम हो कि नगर निगम अपनी परिसंपत्तियों की जानकारी जुटाकर राजस्व बढ़ाने और विकास की दिशा में कवायद कर रहा है, इसी क्रम में मापी हो रही है। अभी तो हम लोग सर्वे करा रहे हैं, अभी तो हम लोग जितने भी हमारे दुकान है उसका क्या स्वरूप है और किस रूप में उसको दिया गया था, अभी हम लोग नोटिस का कार्रवाई करी, पूरा हमारे पास रिपोर्ट आ गया है और वो नोटिस की कार्रवाई करेंगे। जब तक ये एक थोड़ा लंबा ये प्रक्रिया है, इसमें हम लोग थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सारा जब अपडेट हमारा नोटिस के द्वारा जब जवाब प्राप्त हो जाएगा तो जो भी विधिवत उसमें कार्रवाई है, रेवेन्यू से रिलेटेड है या हमारा स्ट्रक्चर को डिस्प्लेस किया है, जिसके अनुसार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई करेंगे। सभी दुकानों की भौतिक स्थिति और मापी कर 15 दिन में प्रतिवेदन कार्यालय में देना है। नगर निगम की टीम के निशाने पर फिर से मधुलिका स्वीट्स है। टीम ने जांच में पाया कि दुकान के अंदर गोदाम और स्टाफ रूम बनाया गया है, वास्तविक ढांचे से छेड़छाड़ की गई है। पिछले साल भी जांच में ऐसी गड़बड़ियां मिली थी, तब तत्कालीन नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप ने मधुलिका स्वीट्स पर करार की शर्तों का उल्लंघन कर राजस्व को क्षति पहुंचाने के आरोप में 30,24,832 रुपए का जुर्माना लगाया था। यह भी पता लगा था कि निगम द्वारा आवंटित दुकानों में बिना अनुमति दुकान के स्वरूप और भूखंड में परिवर्तन किया गया। पहली तो बात यह है कि नगर निगम ये संपत्ति है और गायब होने की बात है। ये कोई माचिस का डिब्बा नहीं है कि कोई भी आया पॉकेट में भर के ले गया। ये मार्केट आप बना है, 1 से लेकर 20 तक की गिनती के मार्केट आप किए हैं, तो उसमें एक दुकान गायब हुई है, आपकी कमजोरी है चाहे आपकी गिनती में गलती होगी, आप उसे जांच करके निकालिए। बिना सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृति के खाली भूखंड का उपयोग हुआ। राजस्व बढ़ाने को लेकर दुकानों का जो किराया अभी 8 से 10 हजार रुपए प्रति वर्ग फीट है, उसको बढ़ाया जा सकता है। नया एग्रीमेंट भी बन सकता है, जो मापी में गड़बड़ी करेंगे उनका करार भी रद्द होगा। निगम की प्रॉपर्टी कहाँ है, किसके पास है, क्या आय है, उसका डेटाबेस बन रहा है। वही जांच में गड़बड़ी पाए गए दुकानदारों और पार्क मार्केट चैंबर के सचिव का कहना है कि नगर निगम को वो भाड़ा देते हैं और जो गलती हुई है उसकी भरपाई वो करने को तैयार है। चोरी का इसमें क्या बात हुआ, हम लोग तो नगर निगम को बल्कि भाड़े देते हैं, उसको जितना भी स्टोरेज है हम लोग सब उनके भाड़े देते हैं और फिर उनको तो और बढ़िया से हम लोग डेवलप कर दिया दुकान को और अच्छे से बनाए हैं, ऐसे बात नहीं है। नोटिस तो अभी आए नहीं हमारे पास और नोटिस अगर आएंगे तो उनको हम फिर जवाब दिया जाएगा। नगर निगम फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच कर रहा है, लेकिन जरूरत है अतिक्रमण किए इन दुकानों पर कार्रवाई होने की। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट।